सिंपल सवाल, मुझे पता है कि तुम चिल को लाइक करती हो बट चिल को बता नहीं रही हो. ओह माय गॉड, तुम चिल को धोखा कैसे दे सकती हो? जस्ट टेल मी. उसने कभी बोला? उसने कभी या शो में बोला या शो के बाहर आके बोला कि चिल मुझसे प्यार करता है? नहीं बोला ना. तो अब डायरेक्ट बिग बॉस करेगी तो लेट्स सी. तो गाइस आरोही खुराना फिर से इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी आफ्टर प्लेग्राउंड और यहाँ पे चिल गेमर को लेकर बहुत सारी बातें की. मैं बस चिल गेमर और आरोही का ही क्लिप दिखाऊंगा आपसे भी, क्योंकि गाइस यार आज रात को मैं सो गया था, पूरा लाइव में नहीं ले पाया, इसलिए कहीं और से लिया तो भाई पूरा नहीं दिखा सकता. मैं छोटा छोटा क्लिप यानी कि चिल और आरोही का दिखा देता हूँ, आपसे भी इंजॉय करिए और देखिए. ओके सवाल पूछो फिर अपने भाई, अब डायरेक्ट बिग बॉस करेगी तो लेट्स सी. लोगों का आशीर्वाद चाहिए, लोगों का अगर प्यार है तो लोग कहां से कहां नहीं पहुंचा सकते आपको. और वो बात तो सच है ही कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, तो मेरे साथ तो ऊपर वाले भी, ऊपर वाला तो है ही है और इतने प्यारे लोग भी है जो मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं. चिल भाई के साथ क्यों नहीं आ रही आप? चिल से मेरी बात नहीं हुई आज, आज पूरा दिन बात नहीं हुई मेरी उससे, कल बात हुई थी और अभी अगर वो आएगा तो ऑब्वियसली मैं उसे ऐड करूंगी. आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच. मैं तो आपको देखने आया हूँ. क्या बात है, क्या बात है, क्या दीदी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. मेरी आवाज बहुत कम आ रही है क्या? एक सेकंड. आरोही चिल आपका कौन है? कौन है आप ही बता दो फिर, आप ही बता दो कौन है. आप सबको पता तो है कौन है, और मैं कुछ बोलती हूँ तो कुछ लोग को मेरी बातें बुरी लग जाती है, इसलिए भैया मैंने सोचा थोड़ा कम बोलूंगी क्योंकि ज्यादा बोलने से मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ. अगर आप लोगों को सवाल, आप इतनी सुंदर हो तो आपकी मम्मी कितनी सुंदर. मेरी मम्मी बहुत सुंदर है, मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर है. चिल को मैंने धोखा दिया मैंने. अच्छा मुझे एक बात बताओ, चिल ने ये कब कहा कि चिल मुझसे प्यार करता है? तो मैं, अगर चिल ने मुझे ये बात बोली ही नहीं तो मैं चिल को धोखा कैसे दे सकती हूँ? जस्ट टेल मी. उसने कभी बोला? उसने कभी या शो में बोला या शो के बाहर आके बोला कि चिल मुझसे प्यार करता है? नहीं बोला ना. तो आप हाउ कैन यू से दिस कि मैंने उसको धोखा दिया? कुछ भी बोलते हो यार, कुछ भी कुछ भी. आर यू इन मुंबई? यस आई एम इन मुंबई. चिल अच्छा ये कितनी गलत बात है, जब वो गया था मिलने तनु से और तभी आपने उसको भी उल्टा सीधा बोला, अभी जस्ट मैं इंटरव्यू देकर आई तो आप लोग मुझे भी कुछ एक दो चीजें बोल रहे हो. व्हाई, क्यों बोल रहे हो आप लोग ये सब? कोई किसी को नहीं यूज करता है, ठीक है? उसके पास उसकी ऑडियंस है जो उसको बहुत प्यार करती है, और मेरे पास भी लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो किसी ने किसी को यूज नहीं किया है, ठीक है? लोग उसको भी प्यार करते हैं, मुझे भी प्यार करते हैं, और दोनों को बराबर ही प्यार करते हैं. एक बार आई लव यू बोल दो ना प्लीज. नहीं भैया मुझे किसी को आई लव यू नहीं बोलना, लेकिन हाँ मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ. आरोही तुम मुझे इतनी भीड़ में पहचानोगी कैसे? मैं पहचान लूंगी तुम्हें लाखों में, हजारों में. चिल को ऐड करो. चिल आई थिंक बिजी है, अगर वो बिजी नहीं होता तो वो जरूर लाइफ में ऐड होता और वो जरूर मेरे से बात करता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. लोग प्लीज ये बताइए कि आप लोग सब कैसे हो. मैं गोवा की हूँ और मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, थैंक यू सो मच. चिल गेमर आपको कैसे पहचानता है? चिल गेमर मेरे को, वो मेरे को पहचानता नहीं है. इवन जब हम जब मैं उससे फर्स्ट टाइम मिली थी तो भी मेरी उससे बात नहीं हुई थी. इवन सिर्फ मैंने और उसने सिर्फ एक दूसरे को देखा ही था ना, उसने मुझसे हेलो हाई किया था ना मैंने उससे हेलो हाई किया था. तो जब हम शो में मिले पहली बार तो ही हमारी हेलो हाई हुई थी, मतलब शो से ही हमारी बातचीत स्टार्ट हुई है, उससे पहले हमारी कभी भी बातचीत नहीं हुई. लिपस्टिक कौन से कलर की लगाई है? लिपस्टिक लगाई है पिंक कलर की. अच्छे सवाल, मुझे पता है कि तुम चिल को लाइक करती हो बट चिल को बता नहीं रही हो. ओह माय गॉड, ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता है यार वो. क्या आपने प्लेग्राउंड के बाहर आने के बाद एपिसोड देखा? नहीं मैंने नहीं देखे यार, ये कितनी बड़ी बात है ना, मैंने खुद ही आके अपने आप को नहीं देखा. अगर रील्स में इतना दिख जाता है ना
मैं एक रील देख रही होती हूँ, फिर तुरंत एक स्किप करके फिर मेरी रील आ जाती है। मैं कह रही भैया मैंने अपने आप को नॉट इंटरेस्टेड कर दिया है कि और कोई रील ही नहीं आ रही है। चिल भाई के साथ ब्लॉग चाहिए। अच्छा ओके, आप चिल गेमर से कब मिलोगे? जब वो आएगा, क्योंकि उसने मुझे तो आने के लिए मना कर दिया कि मत आ अभी। उसने मुझे बोला है कि वो बिजी है तो वो नहीं आएगा अभी, मतलब वो आ सकता है यहाँ पे। वो भी मेरे को उसने आने के लिए मना कर दिया, क्योंकि मैंने तो टिकट करने ही वाली हूँ, फ्लाइट की करने ही वाली थी इवन। उसने मुझे बोला था कि वो शायद वो मुंबई आए। आप चिल भाई के साथ अच्छी लगती हो। ओके थैंक यू। मैं भी उसे बोलती हूँ तो मैं तेरे साथ अच्छी लगती हूँ, मान ले ये बात। बर्थडे पे नहीं जाओगी आप? ऑब्वियसली मैं जाने लगी थी, इवन मेरे पापा की भी तबीयत खराब थी तो मुझे पापा को भी देखने जाना ही था दिल्ली। बट मेरे पापा ने अभी बोला कि बेटा अभी तू काम कर, बाद में आना। तो बाकी गाइस यहाँ तक पूरा लाइव वीडियो देखने के बाद आप सभी को मजा आया है नहीं? आप सभी को कैसे लगा? आप अपना ओपिनियन आप अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। और ऐसे अपडेट से रिलेटेड और लाइव वाइव जो है कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।